मातृभूमि को नमन, माँ शारदे को नमन, पाती अपनों को मुहिम के संयोजक, संपादक एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान सूरज सिंह जी नेगी साहब, संयोजिका डॉक्टर मीना सिरोला जी, जन सरोकार मंच के संयोजक श्रीमान सक्सेना साहब, श्रीमान देवेंद्र जी जोशी साहब, पत्र वाचन कार्यक्रम में पधारे हुए श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय भाइयों और बहनों को सभी को मेरा सादर नमस्कार। पत्र वाचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। पाती अपनों को मुहिम के तहत इससे जुड़कर मुझे सुखद अनुभूति का एहसास हो रहा है। बचपन से ही अपने पेरेंट्स को अच्छे आर्टिकल, अच्छे विचार और पाती को लिखते हुए और पढ़ते हुए देखते थे और उन्हें हम भी पढ़ते थे, अच्छे विचारों को अपनी डायरी में लिखते थे और अपनों को पाती लिखा करते थे। इस मुहिम से जुड़ने से मेरी चिंतनशीलता की हुई, अपने विचारों और संवेदनाओं को बहने के लिए लंबा और चौड़ा रास्ता मिल गया। इससे मैंने इस मुहिम से जुड़कर अपने विचारों को पोषण मिला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मुहिम से जुड़ने का अवसर बूंदी उत्सव के तहत मुझे मिला। बूंदी उत्सव की बैठक प्रशासन ने आहूत की थी, उसके अंदर मैंने भी अपना प्रतिनिधित्व किया था। उस बैठक का एजेंडा था कि किस प्रकार से बूंदी उत्सव को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और इसी के साथ साथ आम जन का अधिक जुड़ाव किस तरह से हुए। सभी के अपने अपने सुझाव आ रहे थे। श्रीमान नेगी साहब ने भी एक विचार रखा, एक सुझाव दिया कि अपन बूंदी के ऊपर बच्चों से पाती लिखवाएं तो कैसा रहेगा। ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यह विषय मुझे बचपन से अच्छा लगता था, पाती लिखना और अच्छे विचारों को लिखना। मैंने इस सुझाव के अंदर एक चीज़ और प्लस कर दी, वो ये कहे कि मैंने बोला कि अपन युवाओं और बुजुर्गों को भी इस मुहिम से जोड़ें क्योंकि बुजुर्गों के पास अपने लंबे जीवन के सफ़र का अच्छा अनुभव, अच्छी यादें और जानकारियां होती है। और नेगी साहब ने इस विचार को स्वीकारते हुए और इस पाती को सभी से लिखवाया और इसके अंदर काफ़ी अच्छे विचार आए और बूंदी की जनता को अपने विचारों को बहने का अवसर मिल गया। इसी तहत हमारे विचार रखते हुए स्कूली बच्चे लिखवाते रहे और आगे भी ऐसे कहीं कार्यक्रम हुए जिसमें पाती मुहिम के तहत गुरु की पाती शिष्य के नाम, शिष्य की पाती गुरु के नाम, संतान की पाती माता पिता के नाम, पिता की पाती संतान के नाम, प्रकृति की पाती मानव के नाम, मित्र को पाती, इस तरीके से इस श्रृंखला में कई पातियां लिखवाई। इसके अंदर हर वर्ग का बच्चा, हर उम्र का बच्चा भाग लेता है, बुजुर्ग युवा सभी इसके अंदर भाग लेते हैं। इससे सभी को एक चिंतनशीलता बढ़ती जा रही है, सामाजिकता बढ़ती जा रही है और संवेदनशीलता का विकास होता जा रहा है। माँ की पाती, बेटी के नाम पाती संग्रह की पुस्तक का विमोचन ग्रांड परमेश्वरी बूंदी के अंदर श्रीमती रुक्मणी रियार कलेक्टर महोदया, सीओ साहब श्रीमान प्रतिहार साहब, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं नेगी साहब एवं भारत के कोने कोने से पधारी हुई
माताओं और बहनों के समक्ष विमोचन हुआ। जब पाती वाचन हो रहा था तो भावपूर्ण काफी विभोरपूर्ण वातावरण हो गया था। इसी बीच हमारी कलेक्टर महोदय भी बहुत भाव विभोर हो रही थी, उन्होंने भी अपने जीवन का जो अनुभव थे वो शेयर किए। इस तरीके से हमारा ये जो पाती मुहिम एक अच्छी राह अच्छी दिशा की ओर मुड़ रही है और बच्चों को सही दिशा दे रही है। हम सबको इस पाती मुहिम में जुड़ना चाहिए। इसी तरीके से टोडा राय सिंह के अंदर भी एक कार्यक्रम किया गया और उसके अंदर स्कूली बच्चों ने पाती लेखन अन्य क्रिएटिविटी की थी और पंचायत स्तर तक ये कार्यक्रम का आयोजन पंचायत स्तर से इस कार्यक्रम को करवाया गया था। इसके अंदर हम देखते हैं ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को युवाओं को बुजुर्गों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और अपने विचारों को बहने देने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। हम यह भी देख रहे हैं कि वर्तमान व डिजिटल युग में सामाजिक व पारिवारिक संबंध सिमटते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत संवेदनाओं का विस्तार हो रहा है और संबंधों को मजबूती भी मिल रही है। समाज जीवन में तकनीकी विकास कितना ही क्यों न कर ले हो जाए, लेकिन मानवीय संवेदनाओं का विस्तार नहीं होगा तो हम ऊंचाइयां नहीं छू पाएंगे, पता नहीं मानव जाति का क्या होगा। मानवीय संवेदनाओं को उजागर करने व सजोने का अवसर ये एक औषधि का कार्य कर रही है पाती मुहिम। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 वाली पॉलिसी जो है उसके अंदर काफ़ी विचार विमर्श भी चल रहे हैं, आम जनता से भी विचार लिए जा रहे हैं। ये पॉलिसी विशेष करके बच्चों के सर्वांगीण विकास को केंद्र लेकर रखा गया है। इसके अंदर साहित्यिक विकास बच्चों का काफ़ी होगा जिससे हमारी आने वाले समय में सामाजिकता को बढ़ावा मिलेगा। हम इस पॉलिसी का अच्छी तरीके से समर्थन करते हैं। इस पाती अपनों के मुहिम के तहत संतान की पाती माता पिता के नाम लिखनी थी, मैं अपने पिताजी के नाम पाती लिखकर इस पाती मुहिम की शुरुआत की। मैं पत्र वाचन कर रही हूँ अपने पापा को लिखा हुआ, जो अभी इसकी पुस्तक का निर्माण पुस्तक नहीं बनी है, लेकिन निकट भविष्य के अंदर इसको पुस्तक का रूप दे दिया जाएगा। आदरणीय पापा, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर आपके आशीर्वाद से स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। आप व मम्मी जहाँ पर होंगे स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मेरा दिल बड़ी दुविधा में पड़ गया। पाती मुहिम के तहत संतान की पाती माता पिता में से मम्मी के नाम या पापा को लिखूं। माता और पिता दोनों ही संतान के लिए अतुलनीय होते हैं। मम्मी की बात याद आते ही पापा आपको ही पाती लिख रही हूं। मम्मी की आत्मा खुश हो जाएगी। कई दिनों से इस पाती को लिखने की सोच रही हूं। आप दोनों को याद करके आपकी यह इंदिरा बेटा बहुत भावुक हो जाती है। भावनाएं अदृश्य होती है, लेकिन कोसों दूरियां होने पर भी आप और हमारे अपनेपन का एहसास करवाती है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेरे लिए भावनाओं से समझौता करना मुश्किल होता है। इन भावनाओं को शब्दों में बांध कर लिखना और भी मुश्किल हो जाता है। अपनी भावनाओं को समेटते हुए शाही के सहारे शब्दों में बांधते हुए पाती लिखने की हिम्मत जुटा रही हूँ। मेरी पाती में वो शब्द वो अंदाज तो नहीं जो आपके इंसानियत भरे जीवन में थे। श्रीमान सूरज सिंह जी नेगी साहब से परिचय बूंदी उत्सव की बैठक के दौरान हुआ। नेगी साहब की कुछ आदतें पाती लिखना, डायरी लिखना, साहित्य पढ़ना, सहजता, सरलता, सभी का सम्मान करना आप ही की तरह है, इसलिए मन से इनका सम्मान करते हैं। पापा, आपके जीवन की शुरुआत संघर्ष से हुई। बचपन में ही माता पिता का साया उठ जाना
बिन माँ बाप के बच्चे का जीवन बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। आपका लालन पालन मामा जी के यहाँ हुआ, आप हमें अपने जीवन के बारे में बताते, वही कुछ बातें इसमें लिख रही हूँ। कहीं शब्दों की गहराइयाँ अब समझ में आ रही है। आप पढ़ते भी थे, उस समय ट्यूशन भी करते थे। आप बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी थे, हर फील्ड में अव्वल रहते। दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ते दौड़ते कभी मन नहीं होता, आप दौड़ने के लिए इनकार कर देते। आप बताते थे तब दरबार मुझसे कहते, जुगल तू तो बूंदी की शान है, तू दौड़। आप ही दरबार की पतंग काटते थे, वो पूछते ये पतंग किसने काटी, उनका आपका नाम बताया जाता, वो खुश होते। आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत इनामें जीती, आपको स्टेट टाइम पर मिले इनाम स्वरूप गुलाबी रंग के लिफाफे अभी भी सुरक्षित है, उन पर प्रतियोगिताओं के नाम लिखे हुए हैं, साथ प्रतियोगिताओं में प्राप्त स्थान लिखा हुआ है। आपने हरेंद्र कॉलेज बूंदी से इंटर पास किया, इसके बाद पायलट का इंटरव्यू देने इंदौर गए। 2 महीना ओवर एज होने के कारण आप पायलट नहीं बन पाए। फिर आपने फॉरेस्ट में रेंजर का दिया, इसमें आपका चयन हो गया। आप एक नेक और ईमानदार अफसर के रूप में पहचाने जाते। आपके विद्यार्थी जीवन का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, आप सभी के लाडले थे। बिन माता पिता का बच्चा अनेक अच्छाइयों, स्वाभिमान, हौसले के साथ जीता था। हर एक आप पर नाच करता था। सचमुच आप समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जीवन ने फिर आपकी परीक्षा ली, आपकी शादी हुई, पहली पत्नी भी डिलीवरी के समय शांत हो गई। फिर दोबारा पुत्रियां व एक पुत्र हुआ। 5ों बेटियां व बेटे का लालन पालन बहुत अच्छे से किया, साथ ही उच्च स्तर के संस्कार अपनी संतानों को दिए। दुनिया में हर बच्चे के पिता अच्छे होते हैं, लेकिन पापा आपको तो सचमुच बहुत अलग व्यक्तित्व था। आपका हंसमुख चेहरा, खिलखिलाकर हंसना, जिंदा दिली, उच्च विचार, सहजता, सरलता, कभी जीवन में निराश नहीं होना, न हिम्मत हारना, सदैव खुश रहना, हर एक की मदद करना, बच्चों से दोस्ती, युवाओं को मार्गदर्शन, बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करना, संवाद करना, हर उम्र, हर वर्ग, हर मजहब का इंसान आपकी ओर खींचा चला आता था। हर जगह माहौल को खुशनुमा बनाने की शक्ति आप में थी। आप जीवन का एक एक पल सकारात्मकता के साथ जीते थे। संस्कारों, परवरिश के साथ हर क्षेत्र में हमें शिक्षा दी। बैंक के कार्य सिखाने के लिए अपने साथ बैंक ले जाना, घरेलू सामान, खेलकूद के सामान लाने हेतु हमें साथ ले जाते, यानी हर छोटी से छोटी चीज से अवगत करवाना और उसको समझा कर करवाना। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का भाव बचपन से ही हमारे में उन्होंने पैदा किया। ट्राई ट्राई अगेन, अच्छे से जुड़ जाना, दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढना, उनकी बुराइयाँ न करना, दूसरों के विचारों को आदर करना, उनके प्रति सद्भावना रखना, धरातल पर रहकर जीना, अहंकार से दूर, आत्मसम्मान व स्वाभिमान से जीना, प्रकृति के करीब रहना, कृत्रिमता से दूर रहना, ये सभी बातें आपके जीवन में घुली मिली हुई थी, इनको हमें सिखाया। आप हमारी छोटी से छोटी गलतियों पर भी निगाह रखकर सुधरवाते, जैसे चलने का तरीका, बात करने का सलीका, हल्के शब्दों का प्रयोग न करना, खाना सर्व करने का तरीका, खाना खाने का तरीका आदि। इन छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती है और इन्हीं से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये आप ही ने बताया। आप स्वास्थ्य भोजन पर भी विशेष ध्यान देते थे। आप कहते जैसा अन्न वैसा मन। आप सप्ताह में मंगलवार का व्रत व गुरुवार का उपवास रखते थे। हम आपसे पूछते आप यह क्यों करते हैं, आपका जवाब होता इसके करने से शरीर हल्का व फूल सा हो जाता है। तन की शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता भी आवश्यक होती है, यह हमें एकाग्रता, विश्वास, सुकून, शांति प्रदान करता है। आपने सभी बेटियों को उच्च शिक्षाएं दी। आप हमारे साथ बैडमिंटन, कैरम खेलते, दौड़ते, बड़ा मजा आता। हमें टूर्नामेंट में भेजते, सांस्कृतिक साहित्यिक
कार्यक्रम में भाग लेने भेजते, हमारे साथ पढ़ाई भी करते, हमें पेपर बनाकर देते, सॉल्व करवाते, फिर आप मार्किंग करते। टूर्नामेंट में जाते, आप वहाँ पर होते तो आप समस्त बच्चों को नाश्ता करवाते और हमारी प्रतियोगिताओं को देखकर खुश व आनंदित हो जाते। आप चित्तौड़, बांसवाड़ा या बाहर टूर से आते थे तब सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हवेली में रहने वाले सभी बच्चों के लिए खाने की चीज़ें लाते थे। हम सभी बच्चे आपके आने का इंतज़ार करते। आप दूर से आते हुए दिख जाते, हम सभी हवेली के बच्चे छत से एक साथ प्यार से आपको आवाज़ देकर खुशी से नाच उठते थे। फिर सभी बच्चे आपके बैग को पकड़ते, आप बड़े प्यार से वो चीज़ें निकालते, हम सभी मिलकर एक साथ खाने की चीज़ें खाते। आप व मम्मी को पत्रिकाओं, अच्छे साहित्य से बहुत लगाव था। हमारे लिए भी ग्रह शोभा, मधुरिमा, प्रतियोगिता दर्पण मंगवाते, हम पढ़ते। आप जंगल में जाते, वहाँ शेर मिल जाते, आप क्या करते और कई घटनाएं बताकर हमें साहसी नीडर के साथ हौसला भी हमारा बुलंद किया। पापा, मम्मी, आप तो हम पर कभी नाराज भी नहीं हुए, आपने तो हमसे कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की। अपने सद्व्यवहार से हम सभी को आत्मानुशासन का पहाड़ सह ढंग से सिखा दिया। रात में सभी एक साथ बैठकर संवाद करना, हंसी मजाक, सर्दी में मूंगफली खाना, लाइटें चले जाने पर गाना सुनाना माहौल को खुशनुमा करते थे। हमारे साथ बहुत घुल मिल कर रहते थे। आपसे कभी कोई कह देते, रेंजर साहब आपके 5 बेटियां हैं, कैसे क्या करोगे? आपको कभी यह मलाल नहीं था, मेरे 5 बेटियां हैं। आप कहते, ये लक्ष्मियां हैं, देवियां हैं, अपनी किस्मत लिखा कर लाइए, किस्मत मालों के हुआ करती है, यह हर एक के नसीब में नहीं है। आपकी 5 पुत्रियां हर कंपटीशन में जीतती, सभी की नौकरियां लगी, सभी को शिक्षा विभाग में आपने भेजना उचित समझा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देकर संस्कारवान पीढ़ी तैयार कर अपना सहयोग समाज को देगी। आपका पर्यावरण पर विशेष ध्यान था, मुझे कॉलेज मैगजीन में भी पर्यावरण पर निबंध लिखवाया, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भी पर्यावरण पर स्पीच दिलवाया। आप अपने जन्म दिवस पर पौधे लगाते, पर्यावरण का बीजारोपण हमारे मन में भर दिया। इतना ही नहीं, जब मैं स्कूल से आती, आप मुझसे पूछते, आज तुमने स्कूल के बच्चों को क्या पढ़ाया, क्या सिखाया? मुझे सलाह देते, खेल कूद सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों में गुणों का विकास करो, उनसे संवाद किया करो। बोर्ड परीक्षाएं आती तो पूछते, बच्चों को कैसे तैयारी करवा रही हो? उनको पेपर बनाकर पुराने पेपर सोल्व कराओ। स्कूली बच्चों में अच्छे संस्कार, नैतिकता का पाठ अपने आचरण से पढ़ाओ। टीम भावना से काम करने का भाव भी आपने ही सिखाया। संगठन में काम करने के लिए आप मुझे प्रोत्साहित किया करते थे, इसलिए अच्छे विचारों को समाज तक फैलाने में मदद की, इसलिए हम इतना आगे बढ़े। पापा, आपकी सीखने की ललक कभी कम न हुई। रिटायरमेंट के बाद आपको महसूस हुआ, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, आपने उसी समय गाड़ी चलाना सीखा, आपने मोबाइल चलाना सीखा, आपने हमको सिखा दिया, सीखने में कोई उम्र आड़ में नहीं आती। आप नियमित व्यायाम करते, घूमने जाते, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन करते। आप हर व्यक्ति को उसकी गलती पर सजा के बजाय माफ कर दिया करते थे। आप किसी का बुरा नहीं करते थे, चाहे उनकी वजह से आपका कितना भी अहित हो जाए। वही गुण हमारे में आए, आप जमाने से बहुत आगे थे। आज चारों तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, योग, आत्म रक्षा के नारे बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपने तो इतने वर्षों पहले ही योग, स्वास्थ्य, बेटियां, पर्यावरण आदि को महत्व देते थे और हमें भी सिखाया। आपकी सकारात्मकता के कारण, जिंदा दिली, खुश मिजाज के कारण 88.5 साल के होने के बावजूद चश्मा न लगना, सारे काम स्वयं करना, लकड़ी का सहारा न लेना, जितना सुंदर मन उतने ही सुंदर भाव व चेहरा,
किसी को आपकी उम्र का विश्वास नहीं होता, आश्चर्य करते आपकी उम्र पर अभी भी वही मस्तानी चाल हंसता चेहरा। पापा आपने हमसे एक प्रश्न किया, इस दुनिया से जाने से पहले तुम कैसी बहू लाओगे। आपने हमसे कहा बेटा उसके संस्कार देखना, क्योंकि दुनिया संस्कारों से चलती है, ये भाव भी जाते जाते पैदा कर गए। 5 अप्रैल 2015 को छोटी बहन से कहा, हमें अक्सर जब उनका मन होता हमें पेन डायरी लेकर बैठने की कहते, और उस दिन उन्होंने कहा कि रजनी तुम बैठो, जो मैं नोट करवा रहा हूँ वो नोट करो, ये बातें बाद में याद आएगी। उन्होंने 10 बातें लिखवाई जो उनके जीवन के अनुभव के आधार पर था, और जीवन का सार था वो हमारे लिए अनमोल वचन बन गए। 6 अप्रैल 2015 को शाम को मम्मी से पूछे थे कि विक्की का बर्थडे है, क्या क्या खाना बनाओगी, क्या कार्यक्रम करोगी। 7 अप्रैल 2015 को पापा के अंतिम क्षण में पापा के पास थी, मुझे मालूम नहीं था पापा हमसे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो जाएंगे। अंतिम समय पर भी पापा के हमेशा की तरह पेन डायरी मोबाइल अपने पास था। आपके दिए संस्कारों के कारण ही सही दिशा की ओर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके द्वारा दिए संस्कारों से ही जी रहे हैं। आपने कहा और समझाया सच की राह कठिन और मुश्किल भरी होती है, लेकिन दिल को सुकून व शांति भी इसी में मिलता है। आपके द्वारा जीवन जीने के जीवन सूत्रों से ही आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के वातावरण के संपर्क में आए लोगों बच्चों में संस्कारों के बीजों का बीजारोपण कर रहे हैं। आपके व मम्मी के जाने के बाद 6वीं 7वीं 8वीं विज्ञान विषय में लेखिका व पाठ्यक्रम निर्माण समिति सदस्य, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण समिति सदस्य, राज्य स्तरीय निष्पादन समिति सदस्य बनने का अवसर मिला। दीक्षा पोर्टल पर QR कोड पर कार्य किया, राष्ट्रीय स्तर पर कंटेंट पब्लिश हुए, साइंस में SME बनी, HM बनी, पर्यावरण वाइल्ड लाइफ भोजन जैव विविधता आदि ऐसे कई विषय जिसकी आज समाज देश विश्व को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, बच्चों को जागरूक करने का यह विषय जिसका जेहन में आपने बचपन में ही भाव भर दिया था, उनको मैं प्रभावी ढंग से रखकर समाज के बीच में विचारों को दिया। किताबें छपकर आई, मुझे कई सम्मान मिले, सिर्फ आँखों से अविरल अश्रुधारा बहा देती हूँ। एक बार पापा आप देख लेते कितने खुश होते, आप होते दुनिया में शोर मचा देते। आपके जाने के 1.5 महीने बाद ही मम्मी भी चली गई, आप दोनों का एक साथ सा चला जाना असहनीय सा हो गया, हमारे लिए दुनिया वीरान हो गई। जीवन के अंतिम कड़वे सच को स्वीकारा, जो आया है वो जाएगा, लेकिन अब कोई इतने प्यार से आवाज़ देने वाले न रहे, न खाने पीने पहनने ओढ़ने की मनोहार करने वाले रहे, अच्छा काम करने पर भी दिल से तारीफ करने वाला न रहा, न खुश होने वाला रहा। मन व निगाहें ढूंढती रहती है ऐसा जिंदा दिली व्यक्ति कोई दिख जाए। आपने जीवन को एक सफल खिलाड़ी बनकर ही जीवन जिया, हंसते हंसते धैर्य विश्वास से हर मुसीबत का सामना कर लिया करते थे। प्रेरणा स्रोत है, बिन माँ बाप का बच्चा इतनी खूबियों को विकसित करते हुए जिया और कभी जीवन में हार नहीं मानी। पापा हम तो धन्य हो गए आप जैसे पिता पाकर, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और आप एक तरफ, आपने जो संस्कार दिए उसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। आपने हमको साहस बल शक्ति हौसला धैर्य शालीनता शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार दिया, वही जीने का सहारा है। इस पाती में मैंने कोई रटी रटाई बात नहीं लिखी, यह तो मैंने जीवन में महसूस किया, उसकी अनुभूति हुई, उसी का कुछ ही अंश यहाँ पर लिखा है। पिता संतान के लिए सुरक्षा कवच होते हैं। पापा आप दैहिक रूप से नहीं रहे, लेकिन आत्मिक रूप से हमारे सुरक्षा कवच है। सौभाग्यशाली हैं आप
जैसे पिता की कृपा धारा का अमृत पान करके आपके दिए गए संस्कारों को युगों युगों तक बहाते रहेंगे। जीवन की तपती धूप में आपकी बातें, आपकी यादें हमें संबल शीतलता प्रदान करती है। पापा, हम कुछ भी कर ले, इस पितृ ऋण से ऋण मुक्त नहीं हो सकते। पापा, शत शत नमन। आपकी बेटी इंदिरा। पत्र वाचन अपने पापा को लिखा। इस पत्र वाचन कार्यक्रम में आप सभी पधारे, आपने अपना अनमोल समय दिया, आप सभी के हम आभारी है। विशेष करके इस मौके पर मैं नेगी साहब की तारीफ किए बगैर नहीं रहूंगी, जिन्होंने इस मुहिम को चलाकर सभी को जोड़ा और समस्त टीम भावना से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे। हम सब मिलकर भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, सामाजिकता का विकास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के अंदर अच्छे सामाजिकता का विकास हो। हम देख रहे हैं कि आजकल लेखन शैली सिमटती जा रही है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को देखते हैं कि कटी छटी शब्द लिख रहे हैं, इससे भावनाएं भी कटती छटती जा रही है। इसलिए आपसे सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सब भी पाती लेखन मुहिम की कड़ी बने और हम सब मिलकर इस कार्य को सहयोग करें। हम में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी इसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वो भी संवेदनशीलता को प्राथमिकता देते हैं। जब भी हमने अभी देखा, हमारे रेना जी को, धोनी जी को भी पत्र लिखा। उनको जब जब भावनाएं बदलती है, वो उनके मजबूती प्रदान करते। इसी तरीके से हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाए, हम सब मिलकर कार्य करेंगे, ताकि हमारी संस्कृति आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत।